आलम पाशा के बारे में तुम्हें जानती ना? येडियुरप्पा को ब्लैकमेल करा गरीबों पर खेल रहा है, ये गरीबों के ऊपर खेल रहा है, इनकी बद्दुआ उसके पूरे खानदान को पूरे पीढ़ियों को लगती है, आलम पाशा को और आर्मी दे रहा है। देखो साहब, इनके 300 घर बड़ा मकान में ही, वहां को उन लोग रिक्वेस्ट करे, रिक्वेस्ट करके हमारे बड़ा मकान इम्तियाज इम्तियाज फुला लगा को मंगे, ये लोग हमको सब आपको एक 500 आदमी आपको मेरे घर के पास रिक्वेस्ट करे, रिक्वेस्ट करके अपना घर भरा को दियो को, तो मैं क्या बोलिया, वॉक बोर्ड से परमिशन तो मा चुके, वॉक बोर्ड से परमिशन कौन माले लखनाथ परमिशन ने हमें बोले तो वॉक बोर्ड से परमिशन तुम्हें ला को दिया तो मैं तुम्हारा घर बन को दूर को बोला, उन्होंने लोग वॉक बोर्ड को अर्जी देखो ही पूरे मिल को देखो ही अर्जी देने के बाद अभी तक उन्होंने परमिशन नहीं दिया, अब इसमें उसके वास्ते घर हमें बन रही, घर बनने के आधा आधा घर 300 घर 100 घर तैयार करी। आलम पाशा के बारे में तुम्हें जानती ना? येडियुरप्पा को ब्लैकमेल करा सो आदमी, येडियुरप्पा को ब्लैकमेल करा सुने, डीके शिवकुमार को ब्लैकमेल करा सुने, सो बात को वहाँ क्या करती नो? इनो क्या करती जाती जाको को सतो इसे गलतियां पकड़ को वहां जाको मांडोली करती, क्या मंडोली हमें पैसे दियो, हमने पैसे दिया ले तो उन्हें जाति गुलाल को ब्लैकमेल करती, इससे आपको आलम पाशा को मैं वो दूसरा के गुलाल को आलम पाशा को भी बड़ा मकान को चाबी लगती है, आरवी देवराज इसका बॉस, आरवी देवराज आलम पाशा को हायर करिया है, हायर कर को बड़ा मकान में ये लिटिगेशन डाल रहा है, ये गरीबों के ऊपर खेल रहा है, ये गरीबों के ऊपर खेल रहा है, इनकी बद्दुआ उसके पूरे खानदान को पूरे पीढ़ियों को लगती है, आलम पाशा को और आरवी देवराज को ये सब फायदा होता है। अब हमारी रिक्वेस्ट क्या, हमने इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करा तो परवा नहीं, इनके घर बनना, मैं इनके वास्ते ब्लैंक चेक आको किसे देखो हूँ, वॉक बोर्ड में ले लिया को क्या जी नाम उनका, सीईओ को ब्लैंक चेक देखो, इनके घर क्या भी कौन भी रोकना नहीं, जो भी डोनेशन लिखना लिख लियो, इन लोगों को तकलीफ न को दियो, वो गरीब आपको मर जाती है, इनको बोल को उन लोगों को मैं एक ब्लैंक चेक कल आको देखो जाको, उन्होंने क्या भी अमाउंट लिख देते इनके घर चालू करने के वास्ते, डोनेशन में देता हूँ, वॉक बोर्ड को क्या पोस्टिंग की वो देता हूँ, कल ब्लैंक चेक देखो जाको। अब साफी सादी साहब आपको ही उनकी रिपोर्ट का है। अभी तो बड़ा मकान का इश्यू आपको सबको मालूम था, अभी भी ये कुछ लोग गवर्नमेंट को सब कंप्लेंट देने का, ये गरीबों का घर का काम रुकाने का कोशिश करे, लेकिन तो हमारा बोर्ड मेंबर्स तब से डिस्कस कर रहे, हमें गरीबों का साथ है,
गरीबों को साथ देना है। जो भी मैं पहला से बता रहा था केजीएफ बाबू और इनको सबको बताया था कि कानून का दायरा में आना ही है, लीज रूल 2014 लीज रूल्स का तहत हमें देंगे करके इंशाल्लाह। इसलिए पूरे मेंबर्स भी आपको है, हमारा पूरे ये हमारा ऑफिसर्स भी है। आज सुबह से शशिकला जुल्ले मैडम हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर और सेक्रेटरी साहब गवर्नमेंट का 2 घंटा में डिस्कस करें, उन्होंने भी बोले हमें गरीबों को हरगिज हमें उधर क्या भी रुकावट भी नहीं करेंगे, क्या भी प्रॉब्लम भी नहीं करेंगे, गरीबों का साथ है हमें गवर्नमेंट भी बता दी। आप इतना उम्मीद दिला रहे हैं बावजूद उसके वोट के करीब जमा होकर क्यों नहीं, ये क्या है बोले तो ये लोगों का क्या वो को है, कुछ लोग वीडियो बना के भेज रहे, उनका काम क्या भी नहीं है, कुछ लोग क्या कर रहे बोलो तो वीडियो बना के भेज रहे, वर्क बोर्ड नहीं देंगे, सीईओ खिलाफ है, मेंबर्स खिलाफ है करके, उनको उन्होंने क्या मिसगाइड करना चाह रहे हैं, उन्होंने एक साल से वही काम कर रहे, वर्क बोर्ड का खिलाफ उन्होंने सुपर सीड करना करके गवर्नमेंट को दिए, वैसा लोग अभी वर्क बोर्ड अच्छा काम हो रहे, इसलिए मेंबर्स को सब क्या बदनाम करना, वर्क बोर्ड को बदनाम करना, इसलिए उन्होंने मिसगाइड कर रहे वीडियो से। इसलिए ये अनपढ़ लोग कुछ लोग रहते ना, हमारा ये माँ बहनों को क्या बोले तो वर्क बोर्ड वाले क्या हमारा खिलाफ है करके, इसलिए बार बार बता रहे वर्क बोर्ड आपका साथ है, गरीबों का साथ है, लेकिन तो एक कानून का दायरा में जो करना है इंशाल्लाह आज हमें करेंगे, इंशाल्लाह गवर्नमेंट से भी ग्रीन सिग्नल मिलको है। कल जो है एक वीडियो भी छाया गया था जिसमें जो एक एक घर को 1-1 लाख रुपए किसी ने डोनेट किया है। नहीं, कौन भी उनको बात भी नहीं करे, उन्होंने सीओ को आके मिले उतना ही है, जैसा पब्लिक आते वैसा मिले, उन्होंने हमारा साहब पास भी नहीं आए, उन्होंने क्या बोला बार बार, उन्होंने क्या बोलना चाह रहे, वर्क बोर्ड का मेंबर इस्तीफा दियो, चेयरमैन को ये अरेस्ट करो, मैं पर इस्तीफा देने के लिए नहीं आया, हमें हमारा कम्युनिटी को खिदमत करने के लिए आए, सुबह से शाम तक हमारा मेंबर्स सब इधर रहते हैं, 1 रुपये का भी इधर फायदा के लिए नहीं आ रहे। आपको अरेस्ट करने की बात करें, जुर्म क्या है आपका? वो वही बता रहा हूँ ना, हमें वो बोर्ड सुपर सीड करना करके बोले, सुपर सीड नहीं हुआ, वो हमें रुकावट कर रहे चेयरमैन है, इसलिए गवर्नमेंट से उन्होंने प्रेजर लेके आ रहे हैं, उन्होंने एक आदमी का भी नाम ले रहे, नाम लेने का भी जरूरत नहीं थी, उन्होंने क्या बोले तो प्रेजर कर रहे दूसरे को, कि किसी हालत से ये गरीबों का काम को रुकाना उनका मकसद वही है, 1 लाख रुपए से उधर ये होता क्या माल नहीं होता करके उनको मालूम है, उन्होंने मैं पहला से बता रहा हूँ उन्होंने वर्क बोर्ड का खिलाफ थे है, अभी ऐसा ही रहेंगे, और हमारा कम्युनिटी का भी खिलाफ है, इंटेंशन कम्युनिटी का खिलाफ उतना ही है, पब्लिसिटी होना उनको कम्युनिटी का खिलाफ है।